सरोज जी, गांधी की फिल्म जो है, फिल्म के बारे में कुछ बताइए पहले दर्शकों को सबसे पहले। एक्चुअल में फिल्म हमारी जो गांधीगिरी है, ये पिछले 10 सालों का मेरे दिमाग का जनरेशन है। दिमाग में जो चीज़ें जनरेट होती रही हैं, देश के सिस्टम को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर जो दिमाग में आइडियाज आते रहे, उसको मैंने पर्दे पर उतारने की कोशिश की है। गांधीगिरी, इसमें गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई कोई चीज़ नहीं है, ना उनके जीवन से कोई लेना देना है। ये आज की फिल्म है, आज के जनरेशन की फिल्म है। और जैसे मैंने अभी बात आपसे कही कि कानून व्यवस्था को लेकर के मैंने इस फिल्म पर कटाक्ष किया है, तो जस्ट फिल्म रिलीज होने से ठीक पहले मैं उसी कानून व्यवस्था का शिकार खुद हो गया। जी, इस फिल्म की यूएसपी क्या आपके अनुसार? यूएसपी मेरे ख्याल से इस फिल्म की सबसे अच्छी है, पहली बात तो ये है कि इसमें आज की समसामयिक, मतलब करंट अफेयर्स पर है फिल्म। म्यूज़िक बहुत अच्छा है, शिवम पाठक जी हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उन्होंने म्यूज़िक दिया है। एक दो गाने थोड़ा एवरेज भी हैं, लेकिन वो किसी और म्यूज़िक डायरेक्टर के हैं, तो लेकिन बाकी 3-4 गाने जो है बहुत हिट हैं हमारी फिल्म में। तो ये दूसरी बात है, आज का जनरेशन इसको पसंद करेगा, क्योंकि उनकी जो स्टूडेंट लाइफ है, उनकी प्रॉब्लम है, जो अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं उनकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और इंटरटेनमेंट है। मैंने अपने होम टाउन में की है इस फिल्म की शूटिंग, शिवगढ़, रायबरेली, लखनऊ और गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली, जैसलमेर और मुंबई। सनोज जी, कैसा अनुभव रहा सब पूरी कास्ट का काम करते हुए? मुझे बहुत अच्छा लगा, सारा सब लोगों के साथ एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा रहा, सिवाय एक संजय मिश्रा जी को छोड़कर, क्योंकि संजय मिश्रा जी भोजपुरी फिल्म का डायरेक्टर होने की वजह से मुझे हमेशा अंडर एस्टिमेट करते रहे, प्रोड्यूसर को तमाम तरह की इधर उधर की बातें करते रहे। क्यों? क्योंकि वो मुझे अंडर एस्टिमेट करना चाहते थे, क्या भोजपुरी फिल्म का डायरेक्टर हिंदी फिल्म नहीं बना सकता है? मैं अभी हॉलीवुड के डायरेक्टर के साथ एक फिल्म करने जा रहा हूँ, इंटरनेशनल फिल्म है वो, तो मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैंने अगर रीजनल फिल्म भी किसी भी भाषा में बनाई तो मेरे लिए फिल्म फिल्म होती है। लेकिन ये लोग जो चंद थोड़ा सा जिनके पास पैसे आ जाते हैं या जिनको थोड़ा सा नेम फेम मिल जाता है, वो एक इंसान की तकलीफ को भूल जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि जो आदमी आज सामने खड़ा है, इसने 20 साल कैसे तपस्या की है, कैसे मेहनत की होगी, कैसे यहाँ तक आया होगा। तो उन्होंने हमारे सब्जेक्ट को साथ खिलवाड़ करने की बहुत कोशिश की, बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश की, बिकॉज वही दूसरी जगह जब कहीं जाते हैं तो वहाँ पर सरेंडर होकर काम करते हैं, मैंने उनको देखा है। लेकिन मेरे यहाँ क्या हुआ कि भोजपुरी का है और मेरे प्रोड्यूसर को थोड़ा सा फेवर में ले लिया, और जो लोग नए नए लोग आते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है कि वो लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं, सारी बातें इधर की उधर, कहानी इधर जा रही है, वो उधर जा रहा है, मूड इधर जा रहा है, तो डिस्टर्बेंस खाली उनकी वजह से हुई। बाकी फिल्म में सब लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया है, मैं सबका बहुत थैंकफुल हूँ। कोई नहीं था, डायरेक्टर और राइटर मैं ही था, मैं 10 साल से डायरेक्टर हूँ, आज नहीं हूँ, 10 साल पहले जब मैंने इस फिल्म को अनाउंस किया था तब से डायरेक्टर हूँ। अंडर एस्टिमेट इसलिए किया गया कि मैंने 2-4 भोजपुरी फिल्में बना ली, और मैं इसको गर्व के साथ बोलता हूँ कि मैं हमेशा आगे भी बनाऊंगा भोजपुरी फिल्में, हॉलीवुड की फिल्म बनाने जा रहा हूँ उसके बाद भी बनाऊंगा मैं भोजपुरी फिल्म। कब रिलीज? ये 2 साल इसको लग गया शूट होने में, और अब रिलीज होने के लिए निर्माता लोगों ने तो अभी तक रिलीज कर देते, उनका बस चलता तो मेरा नाम बगैर डाले हुए रिलीज कर देते, 14 को ही रिलीज करने जा रहे थे, लेकिन कोर्ट ने रोका। अभी 21 को रिलीज करने जाने, तो आज कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है कि भाई जो राइटर और डायरेक्टर एज ए लिरिक्स राइटर आज 10 सालों से काम कर रहा है, उसका नाम आप सम्मानजनक ढंग से दीजिए। शर्म कीजिए आप, शर्म कीजिए आप, अपनी दौलत पर घमंड करना खत्म कीजिए आप। मैं जी हाँ, ओम जी को लेकर ही मैंने इस सब्जेक्ट को सोचा, और उनके हिसाब से मैंने करेक्टर जो मेरे दिमाग में था ओम पुरी साहब ही थे, और फाइनली मैं उस फिल्म में उनको लेकर आया। उन्होंने बहुत कम पैसों में मेरे साथ काम भी किया, बहुत कोऑपरेट किया, लेकिन अभी इन दिनों जो उन्होंने बयानबाजी और सब किया है उससे मैं बहुत दुखी हूँ, और मैं उन चीज़ों में मैं उनका साथ नहीं दे सकता। मैं उनके विचार, मेरे विचार अलग हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल गांधीवादी नहीं हूँ। मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ कि मैं भगत सिंह ब्रिगेड का आदमी हूँ। कोर्ट का क्या जजमेंट है? कोर्ट ने आज, अभी तो एक केस अब शुरू हुआ है, सारे एविडेंस में शो कर चुका हूँ, आपके सामने फाइल है मेरे साथ, आज कोर्ट का जो ऑर्डर है वो है मेरे पास, और कोर्ट का जो आज जजमेंट मींस आज कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि बगैर सनोज मिश्रा का नाम दिए हुए आप फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते। हु इज एस मिश्रा? कोर्ट ने ये कहा है, अभी तो केस शुरू हुआ है, अभी तो चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा, ये हमें भी नहीं मालूम है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक ये चलता ही रहेगा। इसके एवज में मुझे क्या मिला है कि मुझ पर 4-5 फर्जी केस दिल्ली में यहाँ वहाँ मेरे ऊपर डाल दिए गए, ताकि मैं डैमेज हो जाऊँ, ये ख़त्म हो जाऊँ, या मैं डर जाऊँ। तो उनको ये शायद ये नहीं पता है, अगर जो लोग मेरे साथ इतने दिन से काम किए उनको पता है कि मैं डरने वाला इंसान नहीं हूँ, मरने वाला इंसान हूँ, मर जाऊँगा लेकिन मुझे डरना पसंद नहीं है।
डर नहीं सकता हूँ मैं। अभी जस्ट न्यूज आई है कि बॉब डायलन जो लेजेंडरी सिंगर है जी, उनको नोबल अपना नोबल लिटरेचर का अवार्ड दिया गया, तो उसको जी मैं उसके लिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही लोग आगे बढ़ें और लोगों का सपोर्ट भी करें, किसी को कोई एक्सप्लॉइट ना करे। मैं नहीं करता हूँ कभी किसी को, और ये एक बड़ी बात है, बड़ी खबर है, नोबेल साहब प्राइज़ मिलना एक बहुत बड़े गौरव की बात है। मैं इस सम्मान को मतलब मैं उनके इस सम्मान को अपने सर पर रखकर घूमना चाहता हूँ। सनम जी, आज डेथ एनिवर्सरी भी है किशोर कुमार की जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं दादा किशोर दादा की वजह से ही मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ। मैं उनके गानों का बहुत शौकीन था, और मेरा बचपन में एक अफेयर हो गया था किसी के साथ, और वो अफेयर भी टूटा, तो मैं सोचा मैं सिंगर बन जाऊंगा जाके। किशोर जी के गाने गाते गाते मैं यहाँ आया, खंडवा भी गया, उनके घर भी गया हूँ, उनकी समाधि पर भी गया हूँ मैं, और पिछले 2 साल पहले जब उनकी एनिवर्सरी थी तो मैंने उनके मैं घर गया, उनके लोगों से, फैमिली के लोगों से मिला। और मैं किशोर दादा मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं यही कहूँगा कि उनके जैसा हर फन मौला इंसान, कलाकार और लेजेंड हमेशा इस दुनिया में आते रहें, ताकि ये दुनिया ऐसे ही चलती रहे, कलाकारों की दुनिया ऐसे ही चलती रहे। 2 दिन के बाद हेमा मालिनी जी का भी बर्थडे, तो कुछ कहना? हेमा मालिनी जी उनके लिए भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। व्यक्तिगत रूप से भी मैं उन्हें फ़ोन करके बधाई दूंगा, और बुलाएंगे तो मैं उनको बुके भी पेश करने जाऊँगा। लास्टली दिवाली के लिए संदेश दीजिए अपने। दिवाली के लिए बस मैं भी इस बार बहुत अच्छे से दिवाली मनाऊँगा भाइयों, और आप सब लोग दीपावली अच्छे से मनाएं। और हमारे यहाँ जो शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है कि सच की जीत होती है कभी ना कभी देर से ही सही, या जल्दी, या जैसे भी होता है, तो इस बात का मैं एक जीता जागता प्रमाण हूँ, सबूत हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि सच में सब लोग साथ दीजिए, किसी भी सच का साथ हर इंसान को देना चाहिए, आप लोग भी दीजिए, आगे बढ़िए, इस दुनिया को स्वर्ग बनाइए। धन्यवाद। ठीक है ना, और बहुत सारी भाषाओं की फिल्में हैं, ये रिलीज होने वाली फिल्म है, ये भोजपुरी की फिल्म है, ये नेक्स्ट अपकमिंग फिल्म है, बंगला की फिल्म है, ये राजस्थानी फिल्म है, इस तरह की कई सारी फिल्मों का ये मेरा जो एक रेज्यूम रहा है। पहली बार मैंने इस फिल्म को अनाउंस किया था, जब इस फिल्म को गांधीगिरी को 2009 में इसका फर्स्ट अनाउंसमेंट आया था कि सनोज मिश्रा इस फिल्म को बनाने जा रहे हैं, प्रोड्यूस भाई अनूप जलोटा जी, बदन श्री अमराज जलोटा, उन्होंने इस फिल्म को अनाउंस किया था, लेकिन किसी वजह से ये फिल्म हमारी आगे नहीं बढ़ पाई, फिल्म उस वक्त नहीं बन पाई। ये मेरी लिखी हुई स्क्रिप्ट है 2014 में, जिसको मैंने रजिस्टर्ड कराया था, उसके पहले भी लिखी हुई एक स्क्रिप्ट है, इसका वन लाइन जो मैंने, ये फिल्म की शूटिंग के दौरान सारा कवरेज है, जितनी जगह शूट हुआ है, एक एक फ्रेम, एक एक चीज़ें, एक एक सब एवरीथिंग, सब कुछ, और ये सारे फोटोग्राफ्स हैं रनिंग शूटिंग के दौरान, जो हमने जैसलमेर से, राजस्थान से, अपने होम टाउन से, और सब जगह से लेकर के इस फिल्म को जो है ना हमने शूट किया था, जहाँ जहाँ का भी सारी चीज़ें हैं। तो अभी जो कोर्ट का जजमेंट आज आया हुआ है, 13 तारीख को ही आना था, उसकी कॉपी भी मैं आपको मेरे मोबाइल में, मैं मोबाइल में दिखा सकता हूँ, बाकी आपको कॉपी चाहेंगे तो मैं आपको भिजवा दूँगा जी। तो वो ये कॉपी है, आप देख सकते हैं उसको, जूम करके देख सकते हैं, माननीय न्यायालय दिंडुशी कोर्ट, इसमें साफ लिखा हुआ है कि आप सनोज मिश्रा का नाम बगैर डायरेक्टर, राइटर और लिरिक्स राइटर दिए हुए आप रिलीज नहीं कर सकते इस फिल्म, ठीक है जी? ऑर्डर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। थैंक यू ओके। आयुष पानी पिला दे।